अगर कैमरे को मंदिर में कई बार जा गया मैं मंदिर तो भगवान का हम तो सेवा कपिल देव राठी के द्वारा कार्यक्रमों द्वारा अभी इस ब्रांच की शुरुआत की गई है दिल्ली। देखते रहिए नया सवेरा न्यूज। अरे नहीं भाई मैं तो तुम्हारा ये तो आपका क्षेत्र है। नहीं मैं ये कोने में टाप हो जाओ चल भाई चलो बात सर ब्रांच बिल्कुल नहीं वो टीम ऐड आए हुए बुलाने वाले आओ जाओ राठी साहब जहाँ जहाँ आज ब्रांचें खुल रही नमस्कार ब्रांचें नहीं खुल रही पहले मैं आपको आप ब्रांचें शिफ्ट हो रही शिफ्ट हो रही है ब्रांच ऑलरेडी थी नई जगह पे शिफ्ट कर किया जाए। कितने साल हो गए जेएमसीएस को स्टार्ट हुए जेएमसीएस को 5.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं 26/6/2012 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था करीबन 5 साल 7 महीने हो गए और लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इससे हमेशा आदमी को अच्छा लगता है और सबसे ज़्यादा अच्छा तो भी लगता है कि जब हमारे साथ अच्छे आदमी जुड़े। मेरा एक अपना मत होता है जब मैं पूजा में किसी भी काम को मैं करता हूँ तो 100% करने की मेरी मंशा होती है और आज भी जब पंडित जी वो पूजा पाठ करवाते हैं तो मैं कलश को देख कर हमेशा यही बोलता हूँ ये प्रभु जो अच्छे आदमी हो वो हमारे साथ रहे। जिस प्रकार से आपने देखा होगा नदियों में जो अच्छा पानी होता है वो उसके साथ रहता है और जो गंदगी और बाकी चीज़ें होती है वो किनारे पर लग जाए। तो मेरा भी मत यही है कि हमारे साथ जो अच्छे व्यक्ति हैं जो हमारे ये सहकारिता का सिद्धांत है इसमें अच्छे सदस्य जो हैं वही हमारे साथ रहे। अगर कोई गलत आ भी जाए तो वो अपने आप दूर हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि लोन जो है आज के टाइम पर हर आदमी पहली बार लोन के बारे में जब सुनता है तो उसके मन में यही जिज्ञासा होती है कि मैं लोन लेके इसको अगर नहीं चुकाऊंगा जबकि ऐसा नहीं है। जिस भी व्यक्ति ने हमारे साथ से करीबन 5 साल पहले 1 लाख रुपये का लोन लिया था आज वो करीबन 10 लाख रुपये के लोन के ऊपर चले गए क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की एक इमेज बनाई अपना खुद का एक रिपोर्ट बनाया कि मैंने पहले 1 लाख रुपये का लोन लिया था उसको समय के ऊपर किसने चुकाई फिर 2 लाख का लिया फिर 5 लाख का लिया आज 10 लाख रुपये का है। बड़ा अच्छा लगता है इन चीज़ों को देख कर कि एक छोटा सा जो पहले एक जो छोटा सा एक दुकानदार था वो खाली जो है कूलर बेचते थे आज वो जो है कूलर के साथ में फ्रिज भी बेचते हैं फर्नीचर का सारा भी है और उन लोगों वो जो क्रेडिट जो है जनशक्ति को देते हैं क्योंकि पहले हम लोगों ने उनको 1 लाख रुपये का लोन दिया था आज करीबन 10 लाख रुपये का मकसद कुछ अभी भी लोन में
कुछ खामियां नजर आ रही है उसके लिए कुछ कदम उठाएंगे प्रेसिडेंट होने के बाद? नहीं, ये शायद आपकी जानकारी की कमी होगी, अगर खामियां होती तो हम इस प्रकार से काम नहीं करते। कंप्लीट है। अभी आप सुन रहे थे जीएमसीएच के प्रेसिडेंट तोमर साहब। जैसे अभी आपने बताया कि लोन प्रक्रिया में कुछ खामियां हैं, खामियां वहां पर नजर आती हैं, अगर आप फाइल को कंप्लीट करके नहीं देंगे, पूरी उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करके नहीं देंगे, तो आपको अवश्य खामियां जरूर दिखाई देंगे। जिस भी एप्लीकेंट की फाइल टाइम से आती है उसको बाकायदा लोन भी टाइम से मिलता है। कल यहाँ पे हिरण की ब्रांच की ओपनिंग के लिए 7:30 बजे इन लोगों को कैमरे इधर घुमाइए, इन लोगों का कल 7:30 बजे 7:45 बजे फाइल तैयार करके गया हूँ, शाम को लेटर आया है और आज इनको लोन मिलेगा। खामियां वहाँ पे मिलती हैं जहाँ पे फाइल में कमी रहेगी, अगर आप फाइल को कंप्लीट करके नहीं देंगे उसमें कुछ कमियां रहेंगी तो अवश्य लेट होगा, देर आएगा दुरुस्त आएगा। धन्यवाद। तो मैं धन्यवाद आपसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।